हर महादेव, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज सुबह जाके दर्शन करके आ गए थे हम, अभी 9:30 बजे हैं। महाकाल के दर्शन करके जब वापस आए थे हम बस मार्ग के बाद में, बस उसके बाद आके तो हम सीधा आउट ही हो गए, सो ही गए थे। उसके बाद सीधा आप उठे हैं, वो भी जो ऑनर हैं होटल की, उन्होंने आके उठाया था क्योंकि उनको 9 बजे रूम खाली करना था ना, वापस किसी और को देना है। ठीक है, अभी गुस्सा लग गया है, तो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलते हैं महाकाल लोग वापस से घूमने के लिए, क्योंकि कल रात को तो हम घूम ही नहीं पाए थे, क्योंकि जैसे हम एंटर हुए उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया कि आप लेट आए हो। तो अभी वापस से चलते हैं, दिन में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद यहाँ से चलेंगे अपन इंदौर और शाम तक पहुँच जाएंगे अपन ओमकारेश्वर। तो अभी तो पहले क्या खाए भाई, अब वैसे भी शरीर के अंदर का माहौल ऐसा है, मतलब नींद भी आ रही है, भूख भी लगी है, सब मिक्स सा एकदम फीलिंग है। और जहाँ बैठे हैं सामने देखो, थोड़ा खाने क्या बैठते, खाना इतना हैवी हो जाता है, अब चला ही नहीं जा रहा। ये भी सो गया अभी जस्ट हम महाकाल लोक में एंटर हुए हैं, बट जो रौनक कल रात को थी ना, अल्टीमेट थी कसम से। महाकाल लोक तो रात को घूमने का ही मजा आता है, कल रात को तो पूरा घूम नहीं पाए थे, तो अभी चलते हैं और पूरा एक्सप्लोर करके आते हैं। ये बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, हम एंटर हुए थे मंदिर की तरफ से, बट मेन गेट शायद एक तो यहाँ वाला है और ये मेन गेट आई थिंक ये वाला है। तो इधर से एंटर होके घूमते घूमते उधर की तरफ निकल जाते हैं मंदिर की तरफ और सीधा महाकाल के दर्शन करने के लिए, बट हम आए उधर से है क्योंकि हमारे होटल उधर ही थी। बाकी सब ठीक है, सिर्फ धूप ने हालत ख़राब कर रखी है, प्याऊ भी है हो रही, वहाँ चलते हैं पानी पीने। अभी बस ये इधर वाला गेट पर आ गए जो कि ये बंद है, और पीछे जो बने हैं, पीछे वॉशरूम बने हुए हैं, किसी को यूज़ करना हो तो कर सकते हैं, जो अभी मैं यूज़ करके आया हूँ। तो अभी ये काम करते हैं, अभी 12 बज रहे हैं, अभी चलते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है और इतनी धूप में काला हो जाऊँगा। अभी 12:30 हो रहा है, अभी निकलते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हमें टाइम पर ओमकारेश्वर भी पहुँचना है। आप लोग भी आ रहे हो तो इवनिंग में आना, दिन वाले में मज़ा नहीं आता, बहुत गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, अभी तो वैसे भी गर्मी और बढ़ गई है। और बस पानी पीते हैं, होटल से सामान उठाते हैं और चलते सीधा बस स्टैंड। क्या है, बस मारुति जनरल के लिए पंजीयन कक्ष सुबह 8 बजे ओपन होता है, और ये आई थिंक ये नेक्स्ट डे के लिए होता होगा। अच्छा जी, फाइनली ऑटो तो हमें मिल गया, तो कोई ना, यहाँ से आई थिंक एक से 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम इंदौर, इंदौर से आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रुकना होगा रत्ना जी के पास, उसके बाद फिर हम कर लेंगे गाड़ी लेके वहाँ पे ओमकारेश्वर। यहाँ से हमने बस मिल गई है रॉयल ट्रेवल्स का, एसी बस ही ले लिया हमने, 100 रुपये लिया इन्होंने इंदौर तक के लिए, अभी 2:05 पर निकल लेगी, तो आई थिंक 1.25 घंटे में पहुँचा देगी वहाँ पर। डाल दिया लगेज अंदर, आप वाला भी डाल दो ना, फिर डाल ही दो अंदर, कहाँ रखेंगे। क्या है, लाकप बासु ऐसे है ना कुछ नाम, यहाँ जब हमने चाय पी और जब हमने पिज्ज़ा खाया और यहाँ हमने सैंडविच खाया, बस ना जाए थे बट उनको काम है तो वापस जल्दी जल्दी निकल गए थे, तो अभी हम उनकी गाड़ी लेंगे यहाँ से जो कि है थंडरबर्ड, और हम निकलते हैं आगे ओमकारेश्वर के लिए, बाइक से ही जाएंगे ताकि हम कल वापस जल्दी आ जाएंगे। रचना जी ने अपना गाड़ी दिया कि आप ये लेके जाओ, आप बसों में क्यों धक्के खाओगे। तो अभी हम आगे का सफ़र करेंगे थंडरबर्ड पे, और
इसको तो रॉयल इनफील्ड की जो एडवेंचर, जो भी एडवेंचर गाड़ी हाथ में आ जाए ना, नवीन के भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहले मैं ही चलाऊंगा। विश्व का सबसे बड़ा शनि नवग्रह मंदिर आराम से दर्शन करेंगे कल। अभी से 40 किलोमीटर और बचे हुए हैं, 7:30 का टाइम बता रहा, 7:30 से 7:30 के बीच में हम पहुंच जाएंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए पैर सीधे करने के लिए रुके, चाय वाय पीते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शनि मंदिर है, शनि नवग्रह मंदिर। अभी तो जाते हुए लेट हो रहा है, आते टाइम रुकेंगे हम आराम से और दर्शन करके आएंगे। इधर गरम गरम हाथ में चाय और सामने हो रहा देखो सनसेट, क्या मस्त नज़ारा है। जय महाकाल, जय महाकाल। अभी 8:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए ओमकारेश्वर मंदिर, बट हम मंदिर के पास तक नहीं जा पाए हैं क्योंकि वहाँ से कुछ वो शायद वो आने वाला जुलूस वगैरह ऐसा कुछ है, तो पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे थे, तो नीचे वाले रास्ते से है, बट बता रहे गाड़ी भी यहीं लगानी पड़ी हमें, यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। शायद बोल रहे आधे घंटे में हम पहुँच जाएँगे और शायद मंदिर भी 9 बजे बंद हो जाएगा, हमें शयन आरती अटेंड करनी है, तो जल्दी मैं चलता हूँ वहाँ, वहाँ चल के ही मैं आगे का बताता हूँ आपको। सामने रहा मंदिर का गेट, फंस गए हम। स्टार्ट 9 बजे होने वाली है, चलते जल्दी अंदर। वैसे तो मंदिर 5:30 तक खुला है, बट 8:30 स्टार्ट हो जाएगी, अपने को तो 8:30 अटेंड करनी है। दस मंदिर के बाहर ही खड़े हैं, मंदिर के बाहर ही हमें सब्सक्राइबर लोग मिल गए, नए ज्वाइन हो गए। हर महादेव। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम ऋषिकेश। आपका? अनूप। आपका? कहाँ से आप लोग? नागपुर। नागपुर से? महाराष्ट्र। मिल गए वजन। चलो आराम से, सिंगल सिंगल है क्या? सिंगल। आरती होती है, शिव जी कहते हैं कि तीनों लोग जब शिव जी भ्रमण करके वापस आते हैं तो यहीं पर रेस्ट करते हैं, शयन यहीं होता है। तो झूला झूला के आए हम, दर्शन हो गए हमारे, दर्शन हो गए बढ़िया से अच्छे से, नहीं ले लिया कोई बात नहीं, हमने देख लिया, आप समझ लो कि आपने भी देख लिया, सुबह जाएंगे हो सकता है उस समय पर आपको लगे दर्शन हम करवा दे। पानी देखो कितना प्यारा लग रहा है रात को, दर्शन वगैरह करके आ गए अच्छे से, आप बस खाना खाएंगे, पेट पूरे करेंगे। रूम ले लिया हमने, 700 में मिल गया, अच्छा है, ठीक है, इसमें मिला भी मैं जाके बता दूँगा आपको, तो जब भी खाता खाना खाते और फिर थोड़ी रेस्ट करके अगर पैर में जान बची तो हम जाएंगे घर, नहीं तो फिर सो जाएंगे। घाट पे गए तो अगले क्लिप में देख लोगे, नहीं गए तो कल देख लेंगे। रात के 12:30 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही, कमी आ गए घाट पे, बिल्कुल एकदम शांत सा,
सिर्फ एक वहाँ पानी चलने की आवाज़ आ रही है। लाइन सर लगे पार्किंग में सारी नावें, कल ट्राई करेंगे इसमें बैठने का, बट इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं यार, वो नहीं, अपने को पर्सनल चाहिए है ना।